नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं मानस कुमार और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल एग्रो इन्फो। आज का हमारा वीडियो है कि कोराजन और ये नया दवाई बायर का व्यागो, इन दोनों को हम आधा खेत में डालकर हम इसका कंपेरिजन करेंगे कि कौन सा दवाई लंबे समय तक हमारे धान की फसल में रिजल्ट देता है। हम इस धान की खेत में आधे तरफ ये कोराजन डालेंगे और आधे तरफ ये व्यागो डालेंगे। ये कोराजन है जिसमें इसमें केमिकल कंटेन है क्लोरेंट्रा नीलीप्रोल, जो बाज़ार में इसका हम 110 ml लाए थे, इसका रेट पड़ा है हमको 180 रुपये। हम इसे एक स्प्रेयर पर डालेंगे और आधा खेत पर डाल के दिखाएंगे। कड़की दिखाना, कड़की मुझे देखा वो आगे का दिक्कत थी थोड़ी सी मैंने नो है? ये कोराजन है, इसी से एक स्प्रेयर 15 लीटर की टैंक है। इसमें हमको 8 से 9 ml डालना पड़ता है कोराजन को। इसका एक एकड़ का 60 ml है। एक कर लेवे बस दो। साले पूरे है वाला हरे ये मार बने कल ये खेत है जिसमें हम आधा तरफ इस तरफ हम कोराजन का छिड़काव करेंगे। हम 15 लीटर की टैंक में एक टैंक हम इसमें कोराजन डालेंगे और एक टैंक 15 लीटर के उसमें बायर का नया दवाई व्यागो का डालेंगे। हम इसका कंपेरिजन आपको 5 से 6 दिन बाद दिखाएंगे रिजल्ट कैसा है। धन्यवाद। खेत के इतने तरफ अभी कोराजन का छिड़काव हुआ है। हम इसमें भी पहचान के लिए बांस का डंडा भी गड़ा रहे हैं, मतलब वहाँ मेड़ से लेकर इतने दूर तक अभी कोराजन का छिड़काव हुआ है। बाकी हम उसमें व्यागो का छिड़काव करेंगे। यह है बायर का व्यागो जिसमें कंटेन है टेट्रानिलीप्रोल। ये एक एकड़ के लिए 100 ml आता है। हम इसे एक एकड़ में 10 टैंक छिड़काव करते हैं, इसलिए एक टैंक में हम इसको 10 ml का इस्तेमाल करेंगे। कोराजन आता है 60 ml एक एकड़ के लिए, इसलिए हम उसमें 8 ml का इस्तेमाल किए थे। ये बायर का भी लॉन्चिंग प्रोडक्ट है, इसमें आता है 10 ml का
कुछ नहीं यहाँ पे, नजदीक नजदीक अब हुआ तो माना चाहिए। ये व्यागो 10 ml, हम ये 15 लीटर की टैंक में डाल रहे हैं। पर हम ये निशान गड़ा है उस पर कोरोजन है, और ये भी दूसरा टैंक है जिसमें हम अभी ये व्यागो का छिड़काव करेंगे। इस पर हम करीबन 2 टैंक लगेगा व्यागो का, वो इस पर पूरा छिड़काव कर देंगे। धन्यवाद। ये उस तरह पर भी कोरोजन का छिड़काव हुआ था, ये हम निशान के लिए लगाए हैं। इसमें हम बांस का बल्ली खड़क हुए हैं, उसमें झिल्ली कहे लगाए हैं, उस पर भी खड़ा करेंगे। ये इस तरह पर भी व्यागो का छिड़काव हो रहा है। ये मतलब ये 20 डिसमिल का खेत है जिसमें हम 3 टैंक छिड़काव करेंगे। मैं एक टैंक और लगेगा,